लुक एट दिस स्मिथ एंड वेल जो दोनों साउथ ईस्ट की तरफ से आ रही थी अब इस फाइट के अंदर एंगेज हो चुकी है। इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी दो नॉक्स और निकाले हैं मिथ की तरफ से और अब आई बिलीव लास्ट प्लेयर अकेले बचे जिनको फिनिश करने की कोशिश रहेगी लेकिन जूई और मार्टिन दोनों मिलकर वहाँ पे डैमेज डिश आउट कर रहे थे मिथ के ऊपर। एंड अब होसम के पास पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि किसी तरह अपनी टीम के लिए इस मैच के अंदर चिकन डिनर निकाल पाए। फिलहाल बिगेट्रॉन रेड एलियंस की तरफ से हमको एग्जिट देखने को मिलता है इस गेम में। बिल्कुल एंड ज्यूस की टीम के ऊपर अब वहाँ पे गीक फैम की टीम भी प्रेशर अप्लाई करती हुई दिखाई दे रही है, वो एक इंटरेस्टिंग फाइट है। बट उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से वैल्डस यहाँ रन ना जा सके। लंबोगिनी के ऊपर काफी भारी जिम्मेदारी लेकिन अभी लुक एट दैट मिथ के आखिरी प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा वैल्डस द्वारा की भी उस स्किल को अपने खाते में करते हुए प्रेशर बनाया जा रहा है अब यहाँ पे इन सारी टीम्स के ऊपर फ्रॉम the southern side by Valdus. Exactly. लेकिन जैसा आपने एक चीज बोला था Zeus के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसको कहीं ना कहीं Xavier ने हटा दिया था क्योंकि उन्होंने गीक फैम के दो प्लेयर्स पिक ऑफ कर लिए थे और उसी के चलते गीक फैम भी हमें फिनिश ऑफ होती हुई नजर आई है। अब ये देखना होगा कि Zeus को जो ओपनिंग मिली है उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। ब्लू जोन के अंदर फंसे और मार्टिन उनको वहीं पे फंसा के फिनिश ऑफ करेंगे। आईसी को नॉक किया जाता है ग्रेनेड के साथ लेकिन मार्टिन को एग्जैक्ट पोजिशन पता है। अगर स्मोक के अंदर यहाँ पे पीक किया जाता है ज़ियोल के द्वारा तो इंस्टेंटली यहाँ पे हेड स्पॉट होगा और हेड शॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। बट ब्लू जोन का भी डैमेज पड़ रहा है और ये छठा ब्लू जोन है इससे डैमेज बहुत ज्यादा धमाकेदार यहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर पड़ेगा। ज़ियोल को देखे बच के निकलने की कोशिश मात्र कुछ दो गोली लगी है आई बिलीव उन्हें एंड प्ले जोन के डैमेज की वजह से वो भी नॉकआउट हो जाते हैं। एबली अब लास्ट प्लेयर बचे हैं ज़ूस ई स्पोर्ट्स के। फिलहाल सेफ एरिया इन्होंने एंटर तो कर लिया बट आई डोंट थिंक ही इज गोना मेक इट टू द सर्कल। इस सब के बीच में ब्लैकलिस्ट के भी वो जो एक सोलो प्लेयर थे उन्होंने भी अपने लिए जगह बना लिया टॉप फोर के अंदर जॉनी। तो दो सोलो प्लेयर्स अब यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई देंगे। वैल्डस तीन प्लेयर्स लेके 10 किल्स ऑलरेडी अपने खाते में ले चुके हैं एंड DX Xavier जिस तरीके से हमने उनको डोमिनेट करते हुए देखा है पिछले मैचेस के अंदर भी अभी जरूर उनके पास सिर्फ 3 ही किल्स हैं लेकिन पूरी टीम अभी उनकी यहां पे एक स्क्वाड कंप्लीट खड़ा हुआ है Xavier का जो कि मैन एडवांटेज देगा उनको इस बार फाइनल सर्कल के अंदर। अब ये एक स्टैंड स्टिल वाला मोमेंट है क्योंकि वैल्डस के पास एक अच्छा हाई ग्राउंड है। डा Xavier बॉटम से अपना स्प्रेड अप्रोच प्लान आउट करती हुई हमको नजर आ रही है और दूसरी तरफ Zeus और ब्लैकलिस्ट इंटरनेशनल की बात करें ये दोनों प्लेयर्स छुप के रहने वाले हैं और हमें पता है ये छुपे हुए जो प्लेयर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं टीम्स को अगर इनको इग्नोर कर दिया जाता है तो। लेकिन ट्रिना स्पॉट आउट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वैल्डस के हाथों आई बिलीव हमें फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। देयर इट इज जूई एक आसान खेल अपने लिए सिक्योर करते हुए लेकिन अब इंपॉर्टेंट फाइट सबसे ज्यादा इस गेम की शुरू होने जा रही है वैल्डस ई स्पोर्ट्स और डा Xavier के बीच में। हाई ग्राउंड एडवांटेज वैल्डस के पास आ चुका है लेकिन डा Xavier जिस तरह से यूटिलिटी टॉस करी है थोड़ा सा धीरे धीरे करके इनको पीछे धकेल रही है। सॉर्ट ऑफ कम बैक तो हो गया SUC स्पोर्ट्स की तरफ से टॉप 3 के अंदर पहुंच चुके हैं। एबिली एक ऐसे प्लेयर है ना जो अभी भी यहाँ से कुछ भी कमाल करके दिखा सकते हैं। दिक्कत अब उनके ये लिए बस ये है कि वो सोलो प्लेयर बचे हैं। सामने वाली टीम 3-man स्क्वाड एंड 4-man स्क्वाड को स्पॉट कर लिया गया। यहाँ पे स्प्रे आता हुआ मार्टिन का लगातार एम4 के साथ उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हुए यूजी इस्तेमाल होती हुई फाइनल सर्कल के अंदर। रीलोड पे यूजी बट एबिली किल डिनाई करेंगे प्ले जोन द्वारा यहाँ पे डाउन होते हुए। अब क्लियरली वैल्डस एंड Xavier में से कोई एक यहाँ पे 15 पॉइंट लेके जाने वाला है। जी हाँ इन दोनों टीम्स में से एक 4-3 की सिचुएशन। Xavier के पास एडवांटेज तो है बट वैल्डस इतनी जल्दी हार नहीं मारने वाली है ये टीम। हमने रैंगल के ऊपर भी देखा था किस तरह से इन्होंने कोशिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी थी और अभी फर्स्ट पोजीशन पर बैठे हुए हैं। जूई को नॉकआउट किया जाता है डा Xavier की तरफ से चार्जिन आता हुआ। मार्टिन शुरुआत तो करेंगे एक बेहतरीन नॉक निकाल लेकिन कॉन्सेप्ट को फिनिश ऑफ किया जाएगा। मार्टिन अभी भी लड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लास्ट प्लेयर बचे अपनी टीम के फॉल बैक करते हुए देखिए किसी ना किसी तरह यहाँ पे डैमेज तो दे रहे हैं। दूसरा नॉक आता हुआ मार्टिन के लिए तीसरा क्या निकालने में सक्सेसफुल रहेंगे। द आंसर इज यस एंड व्हाट जस्ट हैपेंड डा Xavier फिनिश अप होती है। मार्टिन एक क्लच निकालते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चिकन डिनर और एक काफी इनक्रेडिबल फिनिश। क्या किया है वहां पे उस सोलो प्लेयर ने मार्टिन ने जिस तरीके से मुझे तो लग रहा था कि क्लियरली वहां पे वैल्डस का ये गेम निकल चुका है हाथों से एंड Xavier इस गेम को लेके जाने वाली है बट जिस तरीके से